1988 से बॉलीवुड में एक्टिव रहने वाले शाहरुख खान, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और 1992 में आई उनकी फिल्म चमत्कार को आज 32 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म चमत्कार को 8 जुलाई 1992 को रिलीज किया गया था, जहां पर हमने शाहरुख खान और उर्मिला को एक साथ देखा था, जिसका डायरेक्शन किया था राजीव मेहरा ने और इस फिल्म के सॉन्ग्स भी काफी ज्यादा हिट हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म से जुड़े कुछ अनोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। मिस्टर इंडिया तो देखी होगी आपने और फिल्म चमत्कार में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखाई दे रहा था। फिल्म चमत्कार में हमने शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, उर्मिला मातोंडकर जैसे कलाकार देखे थे, जिसकी स्टोरी लिखी थी शौकत बैग, लिली पुट और खुद डायरेक्टर राजीव मेहरा ने। हालांकि फिल्म के सॉन्ग तो काफी ज्यादा हिट हुए थे, लेकिन इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। फिल्म चमत्कार की बेसिक स्टोरी लाइन 1968 में आई अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ब्लैक बियर्ड्स घोस्ट से इंस्पायर्ड थी। हालांकि इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में दो और फिल्में बनी थी, जिसमें से एक थी 1991 में आई प्यार का साया और दूसरी फिल्म थी इसी साल आई माँ। जब इस फिल्म में शाहरुख खान को साइन किया गया था तो उस वक्त शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने शाहरुख खान से कहा कि रिलीजिंग डेट तक वो रुक जाए, वरना उनकी शादी की वजह से फिल्म की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। हालांकि प्रोड्यूसर के बेटे उमेश मेहरा ने ये बात क्लियर की कि उनके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान ने फिल्म दीवाना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन सबसे पहले जिस फिल्म को उन्होंने साइन किया था वो थी फिल्म चमत्कार। अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, ये भी कहा जाता है कि शाहरुख खान इससे पहले फिल्म दिल आशना है के लिए भी चुने गए थे, लेकिन फिल्म चमत्कार में देरी की वजह से उनकी पहली फिल्म दीवाना बन गई थी। फिल्म चमत्कार में शाहरुख खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया था सुंदर श्रीवास्तव का, दरअसल उसके लिए सबसे पहले जाने माने एक्टर गोविंदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दिनों गोविंदा अपनी फिल्मों में काफी ज्यादा बिजी चल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। फिल्म में हमने शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह की केमिस्ट्री तो देखी थी, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था और ये दोनों एक्टर्स की पहली फिल्म थी जिसमें वो हमें साथ में नजर आए थे और आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम भी किया, जैसे कि चाहत, मैं हूं ना। और इसके अलावा इस फिल्म में हमने शाहरुख खान के साथ जॉनी लीवर को भी देखा था और ये दोनों की पहली साथ में फिल्म थी। तो ये थे फिल्म चमत्कार से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।